हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ऑलरेडी फोर एग्जांपल हम कर चुके हैं, तो आज करेंगे हम एग्जांपल नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फिफ्थ में हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू i माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हमें किस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है, 2x3 की। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, पहले 2x3 की जो है मैट्रिक्स बनानी है, यानी दो हमारी रो होंगी और तीन हमारे कॉलम होंगे। तो R1, R2, C1, C2 एंड C3। तो पहले हम जो है एक एक एलिमेंट कैलकुलेट कर जो है कैलकुलेशन कर लेंगे साथ साथ में। तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से जो हम इसको बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट जो हमें इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन में आई और जे की वैल्यू पुट करनी होती है। और आई और जे हमारा क्या होता है, आई यानी जितने नंबर पे हमारी रो है और जे मींस की जितने नंबर पे हमारा कॉलम है। तो वन बाय वन सारे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। सो A11 मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा यहाँ पे क्या है, आई माइनस 2j, आई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और j भी हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो i माइनस j 1 है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 2। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की 2, और फिर इसका क्या कर देना है, स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 1 गया, 1 प्लस माइनस माइनस होता है, फिर हम देखते हैं दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाते हैं। तो 2 और 1 में से 2 बड़ा है, 2 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और 2 का 2, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2। इसी तरह से जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A12। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे आई 1 हो जाएगा और जे हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 1 माइनस 2 टू जा 4, ऐसे ब्रैकेट में, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में है, का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब 4 में से गया 3, बड़े वाले का साइन और स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस की, तो साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो साइन हो गया प्लस का, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 9 और डिवाइड में 2, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9/2। इसी तरह से जो हम 1/1 अभी सारी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 1 3। तो 1 3 में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 3 2 6, वही बात कि जो 1 और 6 में जो है कौन सा बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो साइन माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25/2 हमारी क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसी तरह से फटाफट हम जो है नेक्स्ट 2 वैल्यू भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारी वैल्यू हम निकालेंगे A21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 माइनस 2 2, 2 में से 2 गई 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, और किसी भी चीज़ को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी वैल्यू आती है A22, यानी रो भी 2 और हमारा जो है कॉलम भी 2, तो आई की जगह पे भी 2 आ जाएगा और जे की जगह पे भी 2 आ जाएगा, 2 2 4 4, में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 4, तो इनसे कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब हमारा इसका लास्ट A23, तो ये भी हम निकाल लेते हैं, 2 माइनस 2 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 माइनस 3 2 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2,
तो हमारे 6 में से 2 के कितने बचे, 4 साइन माइनस का डिवाइड बाय 2 और इसका है स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 4 16 डिवाइड बाय 2। अब माइनस है, माइनस को भी 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 8 16 8 आ गया। तो ये हमारी जो है प्रॉपर हमारी जो है मैट्रिक्स बन गई जो कि हमें फॉर्म करनी थी इस इक्वेशन की हेल्प से। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। एग्जांपल नंबर 6 में दिया हुआ है इफ ए प्लस बी 2 5 AB इक्वल टू 6 2 5 A, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और हमें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 6। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो इसका ए वन वन वाला एलिमेंट होगा और इसका ए वन 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 का एलिमेंट होगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के। देखो 5 5 के इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, तो ए प्लस बी 6 के इक्वल होगा और ए इंटू बी 8 के इक्वल होगा। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिलती है और हमें जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमने देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मेथड हम 10th क्लास में पढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे जो लगा सकते हैं वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल है तो ए की वैल्यू निकाल के दूसरी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं जिससे हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला बी इस साइड प्लस में है तो इसकी अगर हम साइड चेंज करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ए की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस बी। अब इस वाले ए पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 6 माइनस बी इज इक्वल टू 8। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बी इंटू 6 करेंगे, जब भी ब्रैकेट ओपन होती है तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो जब हम इन दोनों के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6b माइनस बी इंटू बी क्या बन जाएगा बी स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू 8। अब देखो जब भी जैसे कि हम b इंटू बी कर रहे हैं तो क्या बनेगा बी स्क्वेयर, जब हम b प्लस बी करेंगे तो क्या बनेगा 2b, यानी एक b ये एक ये b, तो दोनों की मल्टीप्लाई की क्या बन गया 2b बन गया। और ऐसे ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो चीज सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वेयर बन जाता है, राइट। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो हम जो है इन वाले एलिमेंट्स को भी उस साइड ले जाते हैं, तो जब हम साइड चेंज करेंगे बी को साइड लेके जाएंगे बी तो बी हो जाएगा प्लस का, 6b को साइड लेके जाएंगे तो 6b हो जाएगा माइनस का, और जो है प्लस 8 तो है ही हमारा उस साइड इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई है। अब इसके लिए आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए, वो भी आप जो है 9th 10th में जो है सीखते हो। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है, यानी जिसके साथ स्क्वेयर होता है और एक वो जिसके साथ कोई भी हमारा जो है वेरिएबल नहीं है, तो जो है हम क्या करते हैं इन दोनों की जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, तो पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है, फिर जो लास्ट और फर्स्ट वाला एलिमेंट है इन दोनों की आपने क्या करनी है मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या है 1, तो 1 इंटू 8 क्या हो गया 8, तो 8 का आप क्या लोगे एलसीएम लोगे 2 4 जाए 2 2 4 2 1 2। अब इनके आपने इस तरह से जो है इक्वेशन बनानी है, इस तरह से आपने इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कि आप उसको प्लस करो या फिर माइनस करो तो माइनस का 6 बने और उसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बने, राइट। तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे बनेगा। देखो 2 2 4 और एक वाला ये एलिमेंट 2, तो अगर हम 4 प्लस 2 करें तो कितना बन रहा है 6 बन रहा है, ये इसका प्लस आ जाएगा हमारा। दूसरी चीज़ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब हम ये वाले कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो हम इन दोनों को ले लेंगे 4 और 2 को, तो 1 b स्क्वायर हमें यहाँ पे किस में चाहिए माइनस में, तो दोनों को माइनस माइनस का कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस का 4b माइनस का 2b प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इस 6b को हमने जो है दो फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया, दो इसके जो हमने आगे इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया, माइनस 6b को माइनस 4b और माइनस 2b, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6
ठीक है, और हमारा जो है साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से करना है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, दोनों में बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, एक बी बच गया और फोर बच गया। सेम इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो ले लोगे, तो यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है टू, तो अंदर क्या बच गया बी, माइनस माइनस प्लस, और चार दूनी आठ इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक चीज होती है, हमेशा ये और ये बिल्कुल सेम बनेंगे, ठीक है, ये दोनों हमेशा जो है हमारे सेम बनते हैं। हम ये कर लिया, अब यहाँ से हमारे एक तो ये बन गया पेयर, और एक पेयर हमारा ये बन गया बी माइनस टू का, और एक बन गया बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार b माइनस टू को इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल, और एक बार b माइनस फोर को इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। तो b इज इक्वल टू ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस का, तो उस साइड जाके जो है प्लस का हो जाएगा। तो b की हमारी दो वैल्यू आ गई, तो बीच में और लगा देते हैं, या तो b टू है या तो b फोर है, जिस तरह की जो इन्होंने सिचुएशन जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये दो चीज़ें बनी हैं। अब हमने b की वैल्यू तो निकाल ली, हमें क्या बोला है a और b की निकालो, तो b की निकल गई, अब हम a की निकाल लेते हैं। हमें पता है a क्या हमारा 6 माइनस बी, अगर b हमारा 4 है तो a हमारा क्या होगा 6 माइनस फोर, तो क्या होगा 6 में से 4 गए 2, तो a हमारा जो है वो 2 होगा। अगर b हमारा 2 है, अगर b हमारा 2 है तो सेम इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे b की वैल्यू 6 माइनस टू, 6 में से 2 गए 4, तो मतलब a हमारा 4 होगा। तो यहाँ से हमारे दो निकल गए, अगर b 4 है तो a 2 होगा, अगर b 2 है तो a 4 होगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है हमने a और b की वैल्यू भी निकालनी थी, जो हमने निकाल ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a इज इक्वल टू b। यानी हमें दो मैट्रिक्स दी है, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स, दोनों आपस में जो है इक्वल है, तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें दिए हुए हैं a प्लस फोर, थ्री बी, एट, माइनस सिक्स, और b मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 2a प्लस टू, एट, बी स्क्वायर प्लस टू, बी स्क्वायर माइनस 5b। और हमें क्या निकालना है a एंड b, सेम चीज़ है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ठीक है। तो ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है तो जो भी उनके एलिमेंट्स है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है a प्लस फोर, है ना, और इसी पोजिशन पे हमारा जो है b मैट्रिक्स में दिया हुआ है 2a प्लस टू, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपस में जो है इक्वल होंगे, a जो हमारा हम यहाँ से इस तरह से देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो a 1 2, और इधर ये हो गया हमारा a 1 2, a 1 1, a 2 1, a 2 2, तो ये भी ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। तो ये भी हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट हमारी ये बन रही है, तो यहाँ से तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि a a है तो डायरेक्ट निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये 4 2 को इस साइड लेके आते हैं, इस साइड प्लस में, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में 2a, ये वाला a इस साइड प्लस में, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, तो 4 में से 2 गए 2, और 2 a में से अगर कुछ नहीं होता तो उसके आगे हम 1 लगा लेते हैं, तो 2 a में से 1 a गया तो कितना बचा, a बचा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 आ गई। अब दूसरी हमें किसकी निकालनी है, b की निकालनी है, तो b हमारा एक तो यहाँ पे है और दूसरा जो हमारी इन दोनों टर्म के साथ है, तो इन देखो a वाले की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, a की वैल्यू आ चुकी है, ये दोनों इक्वल है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो इन वाली दोनों टर्म से जो हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें दिया हुआ है 3b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2, a 1 2 इक्वल होंगे a 2 2 हमारे इक्वल होंगे, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5b, राइट। सो इसमें अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जो है लिख लेते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर
3 भी को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बी स्क्वेयर माइनस 5b, 6 इस साइड माइनस का तो साइड जाके प्लस का इज इक्वल टू 0। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल सेम सेम है उनको जो है एक दूसरे के नीचे लिखा, जैसे बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर बी बी वाली वैल्यू और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको एक साथ हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, या तो इन वाली टर्म को सेम बनाएंगे या इनको सेम बनाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी दोनों सेम है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि इनके साइन चेंज कर लेंगे ताकि एक दूसरे से कट जाए। अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता तो हम डायरेक्ट काट देते। अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट तो नहीं कट कर सकते क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का तो माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस, पूरी इक्वेशन का। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब देखो जो है माइनस प्लस माइनस और बड़े वाले का साइन, 3 और 5 में से 5 बड़ा है तो 5 में से 3 गई 2, इसमें हमारा क्या होगा प्लस माइनस माइनस और बड़े वाले का साइन, 6 में से 2 गए 4, ये बन गया हमारा 2b-4 इज इक्वल टू 0। 2b 4 को साइड लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा और b इज इक्वल टू 4/2, ये इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाके जो है ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, ये और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू, दैट्स इट। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद सिर्फ हमारे जो है 8th और 9th एग्जाम्पल रह गए, उसके बाद जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।